भैंस का जन्म पाने वाली एक स्त्री ने किया शिकारी से विवाह। अद्भुत कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज भी आपके लिए लेकर के आए हैं इस वीडियो में एक अद्भुत और रोचक कहानी। इस कहानी में आज कई चर्चा है। आज का टाइटल है कि भैंस का जन्म पाने वाली एक स्त्री ने किया शिकारी से विवाह। वो कौन सी स्त्री थी जिसके लिए भैंस का जन्म मिला और फिर उसने एक शिकारी से विवाह किया। कहानी बहुत ही रोचक है। आपसे निवेदन है कि इस कहानी के लिए आप शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। ये कहानी आपके लिए बहुत कुछ बता करके जाएगी और साथ ही साथ वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। और अभी तक आपने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दर्शक भाई, बिना विलंब करते हुए अब शुरू करते हैं ये कहानी। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक युवक रहता था जो कम उम्र में ही एक बेहतरीन तीरंदाज और शिकारी बन गया था। जहां भी शिकारी जाता, जंगली कुत्ते, कौवे और मैगपाई भी उसका पीछा करते, जिससे उन्हें शिकार के बचे खुचे टुकड़े खाने के लिए मिल जाया करते थे। मित्रों, शिकारी को भैंसों के साथ सुकून मिलता था। लोगों को पता था कि जब कभी उन्हें कोई जरूरत होगी तब वे शिकारी भैंसों के झुंड को खोज निकालेगा। दोस्तों, शिकार करने के बाद भाई युवा शिकारी भैंसों की मेहरबानी के लिए उनके झुंड का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता था। एक दिन सुबह युवा शिकारी नदी के पास उस स्थान पर गया जहां पर भैंसे पानी पीने आती थी। वह झाड़ियों में बैठा भैंसों के आने का इंतजार करता रहा। इस बीच वह तितलियों को निहार रहा था जो सुबह की धूप में इठलाती हुई अपने पंखों को सेक रही थी। मित्रों, कुछ देर के बाद युवा शिकारी को एक मादा भैंस आती हुई दिखी। भैंस ऊंची ऊंची खरपतों को अपने पैरों से कुचलती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। शिकारी ने तीर को धनुष पर चढ़ाया। मादा भैंस बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी। युवा शिकारी को मालूम नहीं पड़ा कि क्या हुआ, पर जब उसने दोबारा देखा तो भैंस गायब थी। उसकी जगह एक सुंदर स्त्री खरपत में से बाहर निकली और वह नदी में पानी पीने के लिए झुकी। वो स्त्री शिकारी के अपने लोगों में से नहीं थी। उसके कपड़े अलग थे और उसके बाल चोटियों में नहीं बंधे थे। उसकी खुशबू जंगली फूलों के जैसी थी। दोस्तों, शिकारी को उसे देखकर तुरंत उससे प्रेम हो गया और पास में गया और पूछा कि आप कौन हैं, कहां से आई हैं। तब उसने कहा कि मैं भैंसों के देश से आई हूं। मेरे लोगों ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है क्योंकि तुमने हमेशा मेरे लोगों से प्रेम किया है। उन्हें पता है तुम एक अच्छे और सज्जन इंसान हो। मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। मेरे लोगों की बस एक इच्छा है कि हम दोनों का प्रेम दूसरों के लिए एक मिसाल बने। मित्रों, फिर शिकारी और उस सुंदर स्त्री की शादी हुई, यानी विवाह हुआ। उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था काफ बॉय। उनका जीवन अच्छी तरह फिर बीत रहा था, पर शिकारी के परिवार के लोगों ने उस स्त्री को स्वीकार नहीं किया। भाई अक्सर उसके बारे में उल्टी पलटी बातें कहते हैं। उसने एक ऐसी स्त्री से शादी की है जिसका कोई परिवार ही नहीं है। लोग कहते हैं उस स्त्री के तौर तरीके भी अलग हैं। वह कभी भी हमारे लोगों में घुल मिल नहीं पाएगी, ऐसा उसके परिवार वाले लोग एक दूसरे से कह रहे थे। दोस्तों, एक दिन जब शिकारी बाहर शिकार पर गया था तो उसके रिश्तेदार आए और उन्होंने उसकी पत्नी से कहा, तुम्हें यहां कभी नहीं आना चाहिए था। तुम जहां से आई हो वही वापस वहीं चली जाओ। तुम एक जानवर के सिवा और कुछ नहीं हो। ये ताने सुनकर वह स्त्री अपने बेटे काफवाय को लेकर तुरंत अपना घर छोड़ करके चली गई। इधर शिकारी घर वापस आ रहा था। उसने अपनी पत्नी और बेटे को घर छोड़कर जल्दी उसे भागते हुए देखा। जब उसे पूरी बात मालूम पड़ी तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह उन्हें वापस लाने के लिए पीछे पीछे चल पड़ा। वो जिस पगडंडी से गया वह कई गांव से होकर गुजरती थी। वह दिन भर उस पर चलता रहा और दोनों तरफ की झाड़ियों में अपनी पत्नी और बेटे को बुलाता रहा।
शाम होते होते उसे दूर एक रंगीन तंबू दिखाई दिया। तब तंबू के अंदर खाना पक रहा था, ऊपर से धुआं बाहर निकल रहा था। शिकारी को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। जब उसने अपने बेटे को तंबू के बाहर खेलते हुए देखा, उधर जब काफ बाय ने अपने पिता को देखा तो मैं दौड़कर उनसे मिलने गया और कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि आप आए हैं पिताजी, मां आपके लिए खाना तैयार कर रही है, भाई अभी लेकर के आई। दोस्तों फिर भाई बेटा पिता को तंबू में अंदर लेकर के गया। अंदर अच्छे खाने की खुशबू थी। पत्नी ने उसे एक प्याले में गर्म सूप पीने को दिया और फिर उसने कहा अब मैं अपने लोगों के पास वापस जा रही हूं, मैं अब आपके लोगों के साथ नहीं रह सकती हूं, हमारा पीछा मत करना नहीं तो तुम खतरे में पड़ोगे। शिकारी कहता है मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूं, तुम और मेरा बेटा जहां भी जाओगे मैं वही जाऊंगा। दोस्तों अगले दिन सुबह जब शिकारी उठा और उसने आसमान की तरफ देखा, तंबू गायब था, वहां कोई भी नहीं था। ऐसा लगा जैसे पिछली उसके जीवन में कोई कहानी बनी। दोस्तों शाम का अनुभव कोई सपना हो, पर जहां तंबू खड़ा था वहां की जमीन उसे कुछ नम लगी। उसने अपनी पत्नी और बेटे के पद चिन्हों को देखा। शिकारी उन्हीं पद चिन्हों के पीछे पीछे चला गया। अंत में उसे फिर तंबू दिखा। उसका बेटा उससे मिलने फिर बाहर आया और उसने कहा कि मां चाहती है कि आप हमारे पीछे अब बिल्कुल भी ना आए, कल मां सभी नदियों को सुखा देगी, अगर आपको प्यास लगे तो आप पानी को मेरे पद चिन्ह के नीचे खोजना, वही मिल जाएगा। दोस्तों उस शाम को उसकी पत्नी ने शिकारी से कहा मेरे लोग उस पहाड़ी के पीछे रहते हैं, उन्हें पता है कि मैं आ रही हूं, वे गुस्सा है क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदारों ने मुझसे गलत व्यवहार किया है, यहाँ के आगे मेरा पीछा बिल्कुल मत करना नहीं तो तुम बेमौत मारे जाओगे, हमारे ये जो पीछे परिवार वाले हैं तुमको मार डालेंगे। दोस्तों तब शिकारी ने जवाब दिया मैं मर जाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं हरगिज वापस नहीं जाऊंगा, मैं तुम दोनों के बगैर नहीं रह सकता क्योंकि तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूं। मित्रों जब उसकी पत्नी सो रही थी तो उसने बेल्ट की मदद से खुद को पत्नी से बांध दिया। उसने पत्नी के लंबे बालों को अपनी बाहों में लपेट लिया। अगली सुबह हुई फिर दोबारा वह युवा शिकारी अकेला वहां रह गया। उस पर केवल एक भैंस और उसके बछड़े के खरों के परचिन्ह थे। जब वह उन परचिन्हों को गौर से देख रहा था तभी एक चिड़ियों का झुंड उसके आसपास चहचहाता हुआ उड़ा। वो अपने घर चले गए और वो चिड़िया कहती हैं कि वो अपने घर चले गए हैं, वो अपने घर चले गए। इससे शिकारी को पता चला कि वे खुरों के परचिन्ह उसकी पत्नी और बेटे के ही थे। मित्रों वह परचिन्ह एक ऊंचे टीले की ओर जा रहे थे। उस तरफ जो नदियां थी वह अब सूख गई थी और उनके किनारों की सिर्फ ढाणियां ही दिखाई दे रही थी। जैसे काफ़वाय ने उसे बताया था उसे सूखी नदी की तलैटी में अपने बेटे के खर के परचिन्ह के निशान जो दिखाई दिए उसके नीचे पानी मिल गया। उस ऊंचे टीले के ऊपर उस युवा शिकारी ने भैंसों के राज्य के विस्तार को बड़े अचरज से देखा। जैसे ही वह उनकी तरफ बढ़ा एक बछड़ा उसकी तरफ दौड़ करके आ गया और कहा कि पिताजी आप वापस जाओ, भाई आपको मार डालेंगे, वापस जाओ। इस पर युवा शिकारी ने उत्तर दिया नहीं बेटा, मैं हमेशा तुम्हारी माँ और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। दोस्तों फिर उसके बेटा काफ़वाय ने कहा कि कोई बात नहीं, अब आप बेहद बहादुरी से काम लेना, घबराना नहीं, मेरे दादाजी भैंसों के राज्य के सरगना हैं, आप बिल्कुल नहीं डरें, कोई भय ना दिखाएं नहीं तो मैं आपको पक्का मार डालेंगे। दादाजी आपसे माँ और मुझे खोजने और पहचानने को कहेंगे, पर इतने सारे भैंसों में आप हमें कैसे ढूंढेंगे, सभी भैंस आपको एक जैसी लगेगी। शिकारी बोला बेटा ये तो आप सही कह रहे हो, फिर मुझे क्या करना चाहिए। तब वह बछड़ा जो था उसका बेटा बछड़े के रूप में कहता है आपकी मदद एक के लिए मैं अपने वाय कान को झटका दूंगा और मैं माँ की पीठ पर एक कांटों वाला बीज चिपका दूंगा, अगर आपने हमें ठीक ठीक खोजा तो फिर आप सुरक्षित रहेंगे, आप पूरा ध्यान रखें। मित्रों शिकारी चुपचाप और शांत खड़ा रहा, उसने किंचित मात्र डर भी नहीं दिखाया। थोड़े ही समय में वहां बैलों का एक बड़ा झुंड आ गया। कुछ देर बाद एक बूढ़ा भैंसा झुंड में से निकला और वह शिकारी की तरफ तेजी से बढ़ा। उसके खुरों की आवाज से जमीन कांपने लगी। वह सीधा शिकारी के सामने आकर खड़ा हुआ। उसने अपने खुरों को जमीन पर पटका जिससे कि धूल के बादल बनने लगे। उसने गुस्से में अपने सींगों से झाड़ियों को उखाड़ा। शिकारी चुपचाप और शांत खड़ा रहा।
उसने किंचित मात्र भी डर नहीं दिखाया। दोस्तों, फिर बूढ़े भैंसे ने कहा कि ये आदमी पक्के कलेजे वाला लगता है, अपनी हिम्मत के कारण तुम बच गए हो, अब मेरे पीछे पीछे आओ। बूढ़ा भैंसा आगे आगे चला, सैकड़ों भैंसे उसके पीछे पीछे चले, सब एक बड़े गोले में खड़े हुए। बीच में एक रंगीन तंबू था, भैंसों का पूरा कुनबा अलग अलग साइज के गोलों में खड़ा हुआ। सबसे छोटा गोला बछड़ों का था, उसके ही बाद बड़े और उनसे भी बड़े भैंस थे। दोस्तों, फिर बूढ़े भैंसे ने ऊंची आवाज में कहा, देखो आदमी, जिससे मैं सबको सुनाई दे, तुम हमारे बीच इसलिए आए हो क्योंकि तुम अपनी पत्नी और बेटे से प्रेम करते हो। अब तुम उन्हें ढूंढो, अगर तुम उन्हें नहीं पहचान पाए तो हम तुम्हें अपने खुरों से कुचल डालेंगे, मार डालेंगे। दोस्तों, युवा शिकारी पहले सबसे छोटे बछड़ों के पास गया। देखने में वे सब एक जैसे थे, पर उसमें से एक बछड़ा अपना वाया कान झटक रहा था, जैसे वे किसी मक्खी को उड़ा रहा हो। शिकारी ने उस बछड़े के सर पर अपना हाथ रखा और उसने कहा, मेरे बेटे। फिर सभी भैंसों ने एक साथ अपनी खुशी का इजहार किया और उन्होंने कहा, वह जरूर एक नेक दिल और अच्छा इंसान होगा। दोस्तों, फिर उसने उस बड़े गोले का चक्कर लगाया जहां पर मादा भैंसें खड़ी थी। दोबारा फिर वे सभी देखने में लगभग एक समान थे, पर सिर्फ एक की पीठ पर कांटों वाला बीज चिपका था। शिकारी ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि मेरी पत्नी। एक बार फिर से सभी भैंसों ने कहा, देखो, उसने अपनी पत्नी को भी पहचान लिया है। वो आदमी अपनी पत्नी और बेटे से जरूर प्रेम करता है। बूढ़े भैंस ने अंत में कहा, वो उनके लिए अपनी जान भी दे सकता है, अब हमें उसे अपना बना लें। ऐसा करते समय हम सभी उन्हें आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, उसके बाद उस युवा शिकारी को तंबू के अंदर ले जाया गया। उसका दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। उसे पहनने के लिए सिर्फ एक चोंगा दिया गया जिसमें भैंस के सींग और खुर लगे हुए थे। उसके बाद 3 दिन और 3 रातों तक बाकी भैंसे तंबू को घेरे रहे, वे कूदते रहे, चीखते चिल्लाते रहे। 4th दिन भैंसों ने बाहर से तंबू को धक्का देकर गिरा दिया। उन्होंने युवा शिकारी को धूल में बार बार लौटने दिया, जिससे अंत में उसका पूरा शरीर धूल से लथपथ हो गया। उन्होंने उसके शरीर के अंदर ही सांस बाहर खींची और उसमें नई सांस भरी। दोस्तों, उन्होंने उसके शरीर को बाहर से चाटा, अंत में उसमें इंसान की बू पूरी तरह चली गई। फिर उसने खड़े होने की कोशिश की, पर वो उसमें सफल नहीं हुआ। कपड़े का चोंगा अब उसके शरीर का एक हिस्सा बन गया था। जब भैंसों ने उसे घुरघुराते हुए सुना, फिर उन्होंने उसे धूल में और लौटने दिया। उसके बाद वो अपने खुद के चारों पैरों पर खड़ा हो गया, वो एक युवा भैंसा बन गया था। तो दोस्तों, इस शिकारी की कहानी थी और एक भैंस की कहानी थी जो एक स्त्री बनी, जिसमें मैंने आपको पहले टाइटल बताया था कि भैंस का जन्म पाने वाली एक स्त्री ने किया शिकारी से विवाह। तो दोस्तों, इस तरह से एक भैंस थी, उसने स्त्री का रूप प्राप्त किया, यानी अपने रूप को बदल लिया था, स्त्री बनी, सुंदर स्त्री, और शिकारी से विवाह हुआ। और फिर इस तरह से वो घर को छोड़ करके, यानी शिकारी को छोड़ करके अपने परिवार की ओर चली जाती है, जो वे खुद भैंस थी। और वह शिकारी इतना प्रेम करता था कि वह भी चला गया। अनेक कष्ट, अनेक मुसीबतों का उस शिकारी ने सामना किया, यहां तक कि मरने की भी नौबत आई, फिर भी घबराया नहीं। परिणाम अंत में यह हुआ कि वो भी उसी परिवार में मिल गया और वो भी एक भैंसा बन गया, यानी उन भैंसों ने उसके लिए भैंसा बना लिया। तो दोस्तों, ये थी एक अद्भुत और रोचक कहानी, भैंस का रूप पाने वाली एक स्त्री की कहानी, जिसने शिकारी से विवाह किया और पुनः फिर उसी शिकारी के लिए, जो एक युवा पुरुष था, उसकी अपनी प्रजाति का ही बना दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें उम्मीद है ये कहानी, अद्भुत कहानी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। और दोस्तों, अब क्षमा चाहते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।